तो आज हम बनाएंगे, अभी तो अभी बारिश की सीजन भी शुरू हो गई, हमारा श्रावण महीना भी शुरू हो गया है। आज हम बनाएंगे वो लड़की लोग मोरा का करते हैं जो नमक बिना का खाती है, और वो गुजरात में ज्यादा चलता है, बॉम्बे में करते हैं लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं करते। बहुत सी लड़कियां ये व्रत करती है, ये भी एक व्रत रहता है। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। हाँ तो चलो आज हम क्या बनाएंगे, अभी तो श्रावण महीना आ गया, बच्ची लोग मुलाकात करती है, वो गुजरात में तो उसका बहुत चलन है मुलाकात का, हमारे मुंबई में भी करती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती है जितना गुजरात में सौराष्ट्र में होता है। तो वहाँ की जो लेडीज यानी लड़कियाँ जो भी ये व्रत करती है उसके मुलाकात व्रत कहा जाता है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक रेसिपी बना के दिखा देती हूँ। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने शायद देखा होगा या नहीं, ये है मोरस की भाजी, इसे कहा जाता है मोरस की भाजी। दरिया किनारे ज्यादा होती है, खेती उसकी ज्यादा होती है, और वो खाने में नमक वाली लगती है यानी खारी लगती है। उसमें जैसे आप खाओगे तो आपको लगेगा इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है, हमें नमक कितना डालना कितना नहीं डालना, लेकिन मोरागत में नमक नहीं खाते हैं, तो इसी भाजी की ही बनाई हुई रेसिपी वो लोग खाते हैं। तो चलो आज हम मोरस की भाजी के थेपले बना के आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इसे कहते हैं मोरस की भाजी, इतना आप ख्याल रखो। और ये दरिया किनारे के पास होती है, उसके लिए वो थोड़ी खारी लगती है। तो चलो हम बनाते हैं मोरस के थेपले, और उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने मोरस की भाजी को बारीक बारीक काट के रखा है। ये हमें चाहिए दही, ये हमें चाहिए गेहूं का आटा, ये हमें चाहिए मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। आज हमें नमक तो नहीं लेना है, लेकिन मैं थोड़ा आधे के भाग का नमक डालती हूँ, लेकिन हमें नमक नहीं चाहिए, मोरा कट में नमक नहीं खाते हैं। ये हींग, ये तल, ये धनिया पाउडर, और ये पीसी हुई अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। तो चलो आज हम बनाते हैं मोरस की भाजी के पराठे, लेकिन आज हम नमक डाल के नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मोरा कट में खाने वाला है, मोरस की भाजी भी जरा खारा रहता है। हाँ तो चलो हम बनाते हैं मोरस की भाजी के पराठे, जो बच्चे लोग को जब ही मोरा कट का व्रत रखते हैं तो ये पराठा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, दही के साथ खाने में, चाय के साथ खाने में। तो चलो सबसे पहले हमने लिया है ये मोरस की भाजी, अब इसमें हमने डालना है सारे मसाले। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच हींग, एक चम्मच भर के तिल, पाव चम्मच धनिया पाउडर। हाँ, हमने ये हरी मिर्च और अदरक में नमक नहीं डाला है क्योंकि आज हमें नमक वाला नहीं बनाना है, उसके लिए मैं ये एक चम्मच भर के डालती हूँ हरी मिर्च की पेस्ट। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा तेल, यानी 3 से 4 चम्मच तेल डालना है। अब हमें सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, हमने एक कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया है, बस इतना सा आटा हम लगे आटा मन के लिए। हमें आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और आप भाजी को ऐसे मिक्स करोगे तो भाजी की खारास आटे में लग जाएगी, तो हमें मीट नमक की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, ये मोरस की भाजी के आप मुठिये बना सकते हैं, आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो मोरस की भाजी। एक ख्याल रखो, मोरस की भाजी 12 महीने नहीं मिलती है, खाली ये चौमासे में और श्रावण महीने में ही मिलती है, तो आप इतना ख्याल रखना कि मोरस की भाजी हमें हर महीने में नहीं मिलती है। हाँ, मेरा आटा तो गूंद के तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा आधा चम्मच जितना तेल लेना है और आटे को ज़्यादा गूंदना है।
हाँ, और उसमें आटे में शाइनिंग आएगी, हम थोड़ा तेल डालेंगे तो, और आटा भी भर भर गूंद के हमारा रेडी हो जाएगा। हाँ, तो हमारा आटा गूंद के रेडी हो गए, अब हम इसके गोले बना लेंगे। हाँ, ये हमें एकदम पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा ठीक बनाना है, क्योंकि ठीक बनाने से बहुत ही मजा आएगा खाने का और स्वाद भी अच्छा आएगा। हाँ, तो हमारे गोले भी तैयार हो गए हैं, अब हम इसे बेल के आपको दिखाएंगे गैस पर हमें इसे कैसे सेकने हैं और हमें ये पराठा कैसे बनाना है। हाँ, तो मेरे गोले भी रेडी हो गए हैं, उसका बेलने के लिए मैं ये गेहूं का आटा थोड़ा ले लेती हूँ साइड में। तो हमारा ये आटा तैयार है, तो चलो हम बनाते हैं पराठे। हाँ, तो चलो मैं आपको पराठा बेल के दिखा देती हूँ कि हमें पराठा कैसे बनाना है। बस हमें इतने ठीक ठीक पराठे बनाने हैं, आपने देखा। हाँ, तो चलो अब मैं गैस चालू कर देती हूँ और आपको पराठा सेक के दिखा देती हूँ। हाँ, तो चलो अब मैं गैस चालू कर देती हूँ और पराठा हमें कैसे सेकना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पराठा रखने के लिए मैंने प्लेट भी ले ली है। हमें पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकना है। अब हमें उस पर तेल डालना है थोड़ा सा। हाँ, तो हमारा ये पराठा सेक के रेडी हो गया है। अब मैं आपको दूसरी रीत भी दिखाती हूँ कि अगर आप ये ऐसे गोल बनाना चाहते हो तो गोल बनाओ, आप त्रिकोण बनाना चाहते हो तो त्रिकोण बना। हाँ, लीजिए हमारे मोरस के भाजी के पराठे तैयार है, गोल और त्रिकोण। साथ में हम रख देते हैं ये दही। हाँ, तो अगर आप लोग की बच्ची का भी मुलाकात होए तो उसको मोरस की भाजी के पराठे बनाना और साथ में दही देना, बच्ची बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।